हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सो अभी हम वीडियो करने वाले वाइल्ड इंस्टाग्राम किड्स फील धूम 4 एंग्री ब्रश। यस, आइए देखते हैं। भाई समर वेकेशन है, मैदान खाली है, बच्चे किधर गए? वो बेचारों को बड़े गम है जिंदगी में, ये देख। तुम क्या आजमाओगे मेरा सब्र? मैंने तो वो छोड़ा है जो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारा था। ऐसा क्या होगा भाई? वो कबूतर इसके टूटे हुए दांतों में से कच्चा मैंगो बाइट छीन के भाग गया तो बेचारा रो रहा है। रिमेम्बर, टफ टाइम क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग मैन, स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट्स गुड टाइम्स, गुड टाइम क्रिएट्स वीक मैन, वीक मैन क्रिएट्स हार्ड टाइम्स। और ऐसे हार्ड टाइम्स से लड़ने के लिए चाहिए होते वॉरियर्स जो हम हैं। अपनी वर्जिन तलवारों के साथ हम ये जंग लड़ेंगे और दुनिया को बताएंगे कि इंस्टाग्राम पे इतना पाप क्यों है, समर वेकेशन में एंगलैंड का मैदान साफ क्यों है। भाई इनका बहुत हो रहा है, तो निकालते हैं इनका कच्चा चिट्ठा। ये मेरे कच्चे को हाथ नहीं लगाने का। Lazy people, big noses, Nagu drinking, explosive, much you joking, where's trash, angry land, where's that? Welcome to angry land, where we get angry and dance. Now you're in angry land, let's go get angry and dance. Welcome to angry land, welcome to angry land. जब तू 10-12 साल का था तब क्या करता था? आंट खुजाता था। वो तो तू अभी भी खुजाता है। नॉर्मली 10-12 साल के बच्चे क्या करते हैं? नाक में उंगली करते हैं, मूंगफली के ऊपर की मिट्टी खाते हैं, पड़ोस वाली के साथ डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं। पर ये क्या चल रहा है? ऐसे कौन से पेरेंट्स हैं जो बच्चों को सुनसान जगह पे आवारा सांड की तरह चरने भेज दिया? यहाँ आपका सांड तो लेट गया घंटे ऊपर करके, घर पे माँ को लग रहा है हाय मेरा लाल बड़ा होके इंजीनियर बनेगा, नदियों पे पुल बनाएगा। लेकिन लाल तो खुद पुल बन के बिछ गया गटर पे अपनी लाली के सामने। मेरा हाईवे मिनिस्टर से एक निवेदन है, कहाँ ईंटों में देश का पैसा बर्बाद कर रहे हो? ऐसी नौजवान ईंटें भरी पड़ी है देश में, चुनवा दो इन्हें अनारकली की तरह डांबर डाल के। ठीक है, जा रहे डांबर क्यों नहीं। और ये दोनों बेचारे अपनी पहली डेट पे पॉटी करने आए थे, कितने क्यूट। ये कौन सा तरीका है मेलजोल बढ़ाने का? मजनू हम बंदर से इंसान से कुत्ते बनते जा रहे भाई। इंजीनियर साहब आपको क्या लगता है क्यों गिरा पुल? देखो ये पुल जो था उसका बीच वाला टावर उम्र के हिसाब से कमजोर था, उसको बोलो 18 के बाद पुल बनाने की कोशिश करें। अभी इसको किसने धोखा दे दिया? अरे फ्रिज में रखे आइसक्रीम के डिब्बे में मटर के दाने मिलने को धोखा नहीं कहते पगली। बात बात पे रेलवे स्टेशन पे आके छाती पीटने की जरूरत नहीं है। ये चौथी क्लास में लड़कियों को टॉक्सिक मैनिपुलेशन कौन सिखा रहा है भाई? मैंने बोला था कंगना को टिकट मत दो, बैड इन्फ्लुएंस होता है बच्चों पे। जी मैं लल्लन टॉप से सौरभ दुविधा में बात करेंगे कंगना से। कंगना जी तो क्या मुद्दा है आपका चुनाव में? पहली जी आजादी जो हमें मिली वो 2014 के बाद मिली है। क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे 2014 में? डॉली चायवाला ने अमेरिका में बॉस्टन टी पार्टी करी थी। डीजे में नहीं भेजा था पार्टी में, सब जहर है। और एक बात, गांधी जी कराटे में ब्लैक बेल्ट थे, गोकू उन्हीं का शिष्य था। हाँ। मास्टर रोशी? हाँ हम देखे थे, दांडी यात्रा में ताइक्वांडो करे थे गांधी जी दांडी लेके। फिर भी जेप्टो से जहर ऑर्डर किया है, किसी को खाना है तो आ जाओ, सामूहिक मौत मरेंगे। वैसे भी जीकर क्या करेंगे, ये छपरी साबुन की टिकिया देश चलाएंगे। मैं तो कहता हूँ अंग्रेजों को बुला लेते। हेलो हेलो साइमन कम बैक। भाई क्या कर रहे हो? मम्मा मारूंगा तेरे को, हाथ छोड़। हेलो साइमन। नहीं भाई। अरे ये ना रेल, तीन गुना लगान लेगा भाई, तू चार ले ले। वैसे भी आमिर खान खाली बैठा है, हम शिकार भी करेगा जानवर रस्ते पे, स्नाइपर मैं ला के देता हूँ, बस आ जा। भाई रहने दो, अगला वीडियो देखते। कल को अगर कोई लड़का आके तुम्हारे सामने कहेगा मैं सैफीना का पुराना बॉयफ्रेंड हूँ तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे? पुराना कब का? पिछले जन्म का। मैं इनकी उम्र में समर वेकेशन पे पिछले क्लास की रद्दियां जमा करता था बेच के पेप्सी कोला चूसने के लिए, और ये बॉयफ्रेंड जमा कर रही है। मैं पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ, मीशो से कॉन्डम मत मंगाओ, झेलना सोसाइटी को पड़ता है। रात को जल्दी सोने की जरूरत बच्चों से ज्यादा तो आपको है। मेरा प्रिय मित्र राजू है, राजू बड़ा चालू है, उसका निकने मालू है, राजू के आइटम शालू है, शालू का बड़ा भाई भालू है। अरे क्या ओरल एग्जाम देगा उसके एक्स के सामने? दो कान के नीचे बजाने का, रोने लग गया तो बोलने का चूहा आया था चूहा। वैसे भी सब बच्चे किसको पता चलने वाला है? ये क्या लिख रहा हूँ मैं, साइकेटिस्ट के पास जाना पड़ेगा वापस। अरे इसके हृदय की धमनियाँ अभी तक पूरी तरह विकसित नहीं हुई, और वो दूसरे अविकसित हृदय से मोहब्बत करना सीख गया। वाह नहीं, आजकल बच्चे नहीं आशिक पैदा हो रहे, ये चलना बाद में सीखते, दिल पहले टूट जाते हैं इनके। इसका मतलब पेट में ही आशिकी लड़ा रहे ये लोग।
हाय मुबारक हो, आपको छपरी हुआ है। हाय मेरा बेटा केटीएम पे तोते जैसे शक्ल लेके घूमेगा। है 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 है। तो गर्लफ्रेंड है एक पढ़ दो अब, पर मेरा मन कुछ और भी कर रहा है, अगर एक और आती तो मजा ही आ जाता। मैं इसकी उम्र में बूमर के स्टिकर जमा करता था, वैसे ये गर्लफ्रेंड जमा कर रहा है। सोचिए दोनों जनरेशन साथ में आ जाए तो। ये देख मेरे को बूमर में स्पाइडरमैन और सुपरमैन का स्टिकर मिला, बस बैटमैन का बचा है। मेरे पास तो सुजाता और सुशीला है, बस सुनीता बची है। मेरी तो बचपन में किसी लड़की को हाउ आर यू बोलने में फटके फ्लावर हो जाती थी, मेरे को डर लग रहा है। तू जा रहे बस हाउ आर यू बोल दे, ठीक है? हाउ आर यू। भाई हो इतनी दूर आयो? उसने हाउ आर यू बोला। ओ इंट्रोवर्ट हो, ये तीनों भी थे। प्रेगनेंसी हो जाती है तो गोलियां खा लेते और बाद में एक नन्ही सी जान को आने से पहले मार देते हैं। तो फ्रेंड्स हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि एक नन्ही सी जान को आने से पहले नहीं मारना चाहिए, वो बहुत बड़ा पाप है। अरे मेरे लाल, नन्ही सी जान को नन्ही सी उम्र में नन्ही सी जान पैदा भी नहीं करनी चाहिए। अरे मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, तेरी मम्मी कहाँ है? कहाँ इनके पेरेंट्स? चुल्लू भर मेंढक की सुसु ले लो और डूब मरो। टीचर क्लास में रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा रहा है, बच्चे घर पे जाके प्रैक्टिकल कर रहे हैं। एग्जाम में क्या लिखोगे? सप्लीमेंट की जगह बच्चा बांधोगे? घोर कलयुग आ चुका है। इंस्टाग्राम पे बाल मजदूरी चालू है और लोग यूट्यूब पे थंबनेल के लिए बच्चा पैदा कर रहे हैं। कल बच्चा बड़ा होगा और पूछेगा कि मेरा जन्म कैसे हुआ तो क्या बोलोगे? व्यूज नहीं आ रहे थे? ये यूट्यूब के ब्लॉगर्स हमें प्राइवेसी और सेफ्टी के बारे में ज्ञान छोड़ेंगे, फिर दूसरे मिनट में अपने बच्चों के आधीनंगी वीडियो डाल देंगे। बच्चा बड़ा होने के बाद शर्म के मारे डिप्रेशन में ही क्यों ना चला जाए? खुद में कोई टैलेंट बचा नहीं है तो बच्चों की क्यूटनेस की कमाई खाएंगे। जब यही बच्चे 10-12 साल के हो जाएंगे तो उन्हें यूट्यूब छोड़ के इंस्टा पे डाल देंगे, फिर 10 साल का निब्बा 12 साल की निब्बी का दिल चुराएगा। अरे इस उम्र में मैं पड़ोसी की छत पे सूखने वाले गीले पापड़ चुराता था। इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है ये? यार ये तो मेरे को मैंने कभी देखा ही नहीं इतना सब। आपको थोड़ी रहते इतना इंस्टा पे? इतना मैं सिर्फ थोड़ा बहुत वीडियोस अपलोड करती हूँ, देखती हूँ एंड भाग जाती हूँ। बट यार ये तो मतलब बहुत एडवांस हो रहे हैं आजकल के बच्चे। हाँ
एक्चुअली उसे सही बोला क्या, समर वेकेशन में कितना कुछ करते थे हम लोग बचपन में, और अभी तो ऐसा लग रहा है कि इतना थे आए सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात से लेके फिर सुबह। एक्चुअली अगर देखा जाए ना, इनफेक्ट अपने बिल्डिंग के नीचे भी बहुत सारे बच्चे लोग आते हैं शाम को, क्योंकि मैं वॉक पे भी जाती हूँ ना, मेरे को इतने लोग नहीं दिखते बच्चे लोग, हार्डली कोई दो चार लोग सब फोन में ही रहते हैं। ये तो गलत है ना यार, ये टाइम है मस्ती मजाक फुल ऑन बोलते ना, हमको तो आज भी तो वही क्रिकेट खेलने में तो भागते भागते ये बड़े धूम फोन मस्ता पापड़ चोर मतलब फुल ऑन यार, बहुत मस्त बना है, पैराशूट बहुत मस्त है। बहुत मस्त लगा एंग्री क्रश, बहुत अच्छा लगा यार समर वाला वीडियो देख के। ऐसे ही और वीडियो देखेंगे, तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट क्लिक ऑन द लाइक ऑन।